रिक्वेस्ट करूंगा इमाम भाई से, इमाम भाई प्लीज हैं सर आप ही हैं ताकि इनकी सर्टिफिकेशन करवाएं, उसके उसके बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके बाद इंशाल्लाह माइंड सर प्लीज। तनवीर हैं प्लीज क्लैपिंग हो जाए प्लीज। वकील माँ ने यानी कि हैकाथॉन दिया था और उसकी अगले हफ्ते ही मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था जिंदगी का, तो तीन वहाँ पर इंटरव्यू थे, लेकिन मैं जब इंटर्नशिप गया था और माशाल्लाह से मुझे डायरेक्ट ऐसा जूनियर मास्टर डेवलपर रखा, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कंपनी का नाम बता दो जिसमें तुम हो और कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? ये मेरी सेकंड कंपनी है और मुझे इतनी 8 से 8 महीने होने को आ गए हैं जहाँ पर मैं भी काम कर रहा हूँ। कंपनी का नाम क्या है? सिंक दैट। सिंक दैट। अच्छा, आप सब जाके ना linkedin.com पे तनवीर का नाम लिखेंगे, इनकी शक्ल तो आपने देखी है, जाके देखिएगा किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और इनसे अगर आपको बाद में कॉन्टैक्ट करना हो कुछ पूछना हो तो इनसे आप लिंकडिन पर रब्ता करें। थैंक यू सो मच यार। अच्छा शहरयार बताओ तुम्हें यहाँ से निकलने के कितने दिन बाद जॉब मिली? अराउंड 3 मंथ्स के अंदर मुझे जॉब मिल गई थी सर। मैं नसीहत करना चाह रहा था ज़्यादा देर को एक मिनट बोला। मैं मोहम्मद शहरयार यार मेरा नाम सलामी से जनवरी 2021 से मैं इंगेज था, तो आज मैं जितना कामयाब हूँ मेरे साथ के लड़के उससे ज़्यादा कामयाब थे। ये गलती जो मैंने की वो मैं आपको नसीहत करके जाना चाहता हूँ कि आप ना कीजिए। सलामी के तीन उसूल हैं, टाइम पर आएँ टाइम पर जाएँ। जो असाइनमेंट आपको मिलेगा ना वो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी, फर्स्ट प्रैक्टिस बेसिक प्रैक्टिस और बेस्ट प्रैक्टिस होगी। आपने असाइनमेंट को लाइट नहीं दिया। जो लड़के असाइनमेंट साफ साफ कर रहे होंगे वो आज एक साल बाद जब आप लोगों की ओरिएंटेशन हो रही होगी इसी तरीके से सर्टिफिकेशन हो रही होगी वो आपसे ज़्यादा कमा रहे होंगे। मैंने असाइनमेंट्स को लाइट लिया था, मेरी स्किल्स डाउन थी, लेकिन अलहमदिल्ला उन दोस्तों के करम से सर के टीचर ने जो हमें लिंक्स बताए जो प्लेटफॉर्म बताए ऑनलाइन पढ़ने के उससे हम इतने काफ़ी नहीं। अलहमदिल्ला मैं 30% पार्टिसिपेटिंग कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर हाउस के साथ किया था, सॉफ्टवेयर हाउस से ला रहे हैं हम लोग और मॉर्निंग में टीचिंग भी कर रहा हूँ, C++ पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, C++ एक नजरिया मिल गया था आईटी को कैसे पढ़ना है और एक अच्छे पैकेज पे मॉर्निंग में स्कूल में होता हूँ, फिर मेरा कोचिंग सेंटर है और इसके अलावा ERP सॉफ्टवेयर बेस्ड में कनेक्टेड हूँ 30% की पार्टिसिपेशन पे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सलानी की मैनेजमेंट का, स्पेशली हमारे सर जुनैद सर इंतजाम मलिक सर हॉस यहाँ पर मौजूद रही हैं, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग दीजिएगा। अपनी स्किल से आप मुस्लिम रहिएगा, ये वो कोर्स है जो एक्टेक और दीगर इदारे आपको 2-3 लाख रुपये में करवाते हैं। अल्लाह का बशीर फारूक साहब की कोशिश उनके फैजान से ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो अक्सर जो चीज़ मुफ्त में मिलती है ना उसकी कदर नहीं करते। बस मैं गुजारिश करी जाऊँगा इसकी कदर कीजिएगा इंशाल्लाह, आप भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक आला मिसाल कायम होंगे और उसमें अपना हिस्सा अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। AQA सॉल्यूशन है वैसे, उसमें जॉब करते हुए तुम्हें कितना टाइम हो गया अभी? तकरीबन आठ महीने। अच्छा शहरयार, आपने इनका नाम देखी है, इनकी फोटो देखी, आप जाएँ लिंक्डइन पे जाके इनका प्रोफाइल चेक करें, इनसे अगर आपको कोई बात करनी हो लिंक्डइन पे जाके इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहले शायान सिद्दीकी, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो? हॉरिजॉन टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूं आजकल, एनर्जी डेवलपर है। अच्छा, यहां से तुम्हें निकलने के बाद सलानी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद कितने दिन में मिल गई थी जॉब? मुझे सलानी का कोर्स कंप्लीट करने के 1 महीने बाद इंटर्नशिप मिल गई और उसके 3 महीने बाद मुझे फिर जॉब में परमानेंट जॉब पे हो गया। अच्छा, अभी जॉब करते करते कितना टाइम हो गया? अभी यहां पे मैंने सेकंड जॉब स्टार्ट किया, यहां पे मुझे 2 मंथ्स हुए होंगे जिस समय मैं गोल्डन टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था। 5-6 महीने काम किए मैंने, 6 महीने तकरीबन 8-9 महीने हो गए इनको काम करते हुए। अच्छा, तो इनका नाम आपने शायान सिद्दीकी, इनका नाम है लिंक्डइन में है? गिटहब में भी है, लिंक्डइन में भी है, इनकी आपने फोटो देखी है, आप इनका जाके प्रोफाइल चेक करेंगे क्या करते रहें, इनसे कनेक्ट करें, कोई आपको सवाल पूछना हो जाहिर है आप जिस स्टेज पे इस पर बैठे हुए यहाँ से होकर गुजर चुके हैं ये सब लोग, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं। पहले यार फराज बेग, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा था क्लास है। अच्छा फराज बताओ, यहाँ से
तुम कौन से बैच में थे भाई? मैं भूल गया। बैच 7 में। अच्छा, और यहाँ से निकलने की यहाँ से कंप्लीट करने की कितने दिन में जॉब मिल गई थी आपको? सर पहले तो मुझे फॉरन ही एक हफ्ते मिल गई थी, लेकिन वो ब्लॉक चेन की थी। अच्छा। तो वहाँ से मैंने स्विच कर लिया, उसके बाद मेरी इंटर्नशिप लगी तकरीबन मार्च में। अच्छा, हाँ। कंपनी का नाम बता दो, कौन से में कर रहे हो? मैं डिजी ट्रेंड में नोडजेस डेवलपर इंटर्नशिप की थी। डिजी ट्रेंड पर, और उसके बाद जो है वो अभी परमानेंट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। काम कर डिजी ट्रेंड पे नॉट जस्ट डेवलपर, काम करते करते कितना टाइम हो गया अभी इस कंपनी में? तकरीबन 9 महीने हो गए। तकरीबन 9-10 महीने इनको भी हो गए। अच्छा, तो इनका फराज बेग लिंक्डइन पे हो, करेक्ट हो? अच्छा, तो फराज बेग से कोई भी कनेक्ट होना चाहे तो लिंक्डइन पे जाके इनकी देख लें शक्ल, आप सर्च करें इनको, देखें ये क्या कर रहे हैं, क्या इन्होंने डिग्री की हुई है, क्या पढ़ाई की हुई है, अभी कहाँ कहाँ जॉब, दो कंपनी स्विच कर चुके हैं अभी तक माशाल्लाह से, ज़्यादा ऑफर की होगी जब भी स्विच कर लिया होगा। चलो, तो वेल डन यार, बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच रोहित भाई।